जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सैनिक समाचार में। साथियों, आप सभी से प्राप्त कमेंट्स की रिप्लाई सैनिक समाचार PCDA की इस पर्स की हेल्पलाइन पे कॉल करके वहां से सूटेबल रिप्लाई प्राप्त होने के बाद आप सबके साथ में शेयर करता है। साथियों, जो लाइव डिस्कशन का पार्ट 4 था, उस दौरान कंप्लीट आपकी क्यूरीज का जवाब PCDA से प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद अगेन PCDA की इस पर हेल्पलाइन पे कॉल करके आपके जो बचे हुए कमेंट्स और क्यूरी थी उनका जवाब लिया गया। उन सभी क्वेश्चंस और क्यूरीज का जवाब मैं आपको आगे ऑडियो के माध्यम से सुनाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस लाइव डिस्कशन में मैंने कौन कौन से क्वेश्चन जो है हेल्पलाइन से पूछे। साथियों, सबसे पहला था कि जो विदेश में रहने वाले हमारे पूर्व सैनिक हैं वो इस पर्स में लॉगिन कैसे करें। अगला क्वेश्चन था कि इस पर्स के जो सर्विस सेंटर है उनका क्या रोल है और इस पर्स के सर्विस सेंटर में क्या क्या काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कुछ एक बैंक आपस में मर्ज हुए हैं जिसके कारण उनके IFSC कोड बदल गए हैं, क्या इस पर्स में माइग्रेशन के बाद इन बैंकों के मर्ज के बाद जिनका खाता इन बैंकों में था उनकी पेंशन नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन था कि इस पर्स में लॉगिन करके मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं क्या। अगला क्वेश्चन था विदेश में रहने वाले पूर्व सैनिक अपना लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करें। अगला क्वेश्चन था इस पर्स में माइग्रेशन के बाद नेक्स्ट और सबमिट ऑप्शंस क्यों नहीं आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन था नेशन वाइड पेंशन अदालत कब कंडक्ट होने जा रही है। साथियों, आपके साथ में ऑडियो को शेयर करूं उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। अब साथियों, मैं आपको इस पर्स की हेल्पलाइन पे जो बात हुई है उसका ऑडियो मैं आपको सुनाऊंगा। आप वीडियो को ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो के साथ जरूर बने रहें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी क्यूरी का जो जवाब है वो भी इस ऑडियो में हो। आइए साथियों, क्या है समस्या? सर देखो, एक तो ये चीज है कि जो पेंशनर हमारे आउटसाइड इंडिया है, रिसेटल हुए हैं वहाँ पे NRI है, उनका वहाँ पे वेबसाइट ओपन नहीं होता है, तो वो उनके पास मैसेज तो यहाँ से पहुँच गया कि आपका माइग्रेशन हो चुका है, तो वो अब क्या कैसे करें यार? तो उनको तो लाइफ सर्टिफिकेट कराना होगा ना, लेकिन विदाउट लाइफ सर्टिफिकेट 2 महीने 2.5 महीने का बफर टाइम मिलता है। इस पर्स जो है कि बफर टाइम देता है जी, कि 2 महीने तक आपकी पेंशन ऑलरेडी बंद नहीं होगी, क्रेडिट रहेगी जी, जाएगी आपके खाते में जी, ठीक है। लेकिन 2 महीने बाद तो कराना होगा ना सर, जी उनका लाइफ मेनली लाइफ सर्टिफिकेट ही कराना होगा, और कुछ ना कराए हो लाइफ सर्टिफिकेट तो करा सकते हैं। वो तो वो वेबसाइट अपने जीवन प्रमाण की भी नहीं खुलती है, स्पर्श की भी नहीं खुलती है विदेश में, तो वो तो कहीं नहीं खुलेगी, तो इंडिया की साइट तो और क्यों खुलेगी, इंटरनेशनल साइट तो यह है नहीं, क्योंकि आर्मी की कोई भी चीजें किसी अन्य देश में किसी अन्य देश का आर्मी का डेटा नहीं एक्सेस कर होता है। बिल्कुल ठीक है। तो उनको क्या है, वो अपना विदेश मंत्रालय अपना जो वहाँ पे एम्बेसी है वहाँ पे कोई ऐसी सुविधा है इस पर्सन ने दी है? बिल्कुल, वहाँ पे एम्बेसी से बात कर सकते हैं, एम्बेसी से एक्सेसिबल होता है। ओके, ऐसा नहीं है, अगर कोई भी किसी भी कंट्री का कोई भी पर्सन होता है, अगर कंट्री से रिलेटेड कुछ चीजें होती है जी, तो इंडिया का भी कुछ चीजें जरूर वहाँ पे होता होगा, ऐसा नहीं है। ओके ठीक है, मतलब वहाँ जाके वो अपने सेवाएं ले सकते हैं? हाँ, मे बी वहाँ पे जाके सेवाएं तो ले, जैसे इंडियन एम्बेसी यहाँ पर नेपाल एम्बेसी, ऐसे आर्मी के कुछ लोग नेपाल के भी हैं, ठीक है, तो नेपाल में एम्बेसी इंडिया है, तो सारा प्रोसेस इंडियन एम्बेसी नेपाल से ही होता है उन लोगों का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ऐसे वो लोग भी मे भी मदद ले सकते हैं, वहाँ पे बात कर सकते हैं, क्योंकि एम्बेसी तो सब ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया की सब जगह होती है, तो वो जाके वो तो हर जगह डिप्लोमेट हाई कमी बिल्कुल हाई कमीशन होता है, हाई कमीशन ऑफिस और इंडिया एम्बेसी दोनों होता है। ओके, तो एक दूसरा सर सरोजी बताइए कि इस पर्स के अंदर हम लॉगिन करते हैं तो MLC और DLC दोनों आइडेंटिफिकेशन में दिखाई देता है, लेकिन जनरली MLC ये चीज होता है मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, जो कि MLC सर कोई व्यक्ति जैसे सुदूर एरिया में है, ठीक है, उसको इंटरनेट का एक्सेस नहीं हो पाया जी, लेकिन कहीं ना कहीं बिना इंटरनेट का कुछ भी नहीं कर पाएगा सर।
ठीक है। जनरली एमएलसी अगर वो डाउनलोड करके फिर फॉर्म भरेगा, अपना डिटेल भरेगा, किसी के एस्टेट ऑफिसर के पास जाएगा, उनका मुहर मरवाएगा, सारा प्रोसेस करवा, ये लंबा हो जाता है सर। ठीक है, फिर उसको लोग इस वर्ष की वेबसाइट पे स्कैन करेंगे, स्कैन करके अपडेट करेंगे, फिर यहाँ पे ऑफिसर के पास आएगा, वो लोग अप्रूव करेंगे कितना दिन लगे कितना दिन नहीं, इसमें बहुत लंबा प्रोसेस। तो हम लोग इसलिए कॉमन यही बताते हैं कि पेंशनर केवल डीएलसी ही सबमिट करेगा, डीएलसी 72 घंटे में अपडेट हो जाती है ऑटोमेटिक को, लेकिन ये ऑप्शन और लॉगिन करने एमएलसी के का कोई बाद ले ऑप्शन है जो जो अपना लॉगिन करने के बाद में डीएलसी का ऑप्शन है, जो उसमें क्लिक करने के बाद में बोलता है कि ये सुविधा अभी तक चालू नहीं हुई है, तो बाहर से ही करना पड़ेगा वहाँ। हाँ, तो बाहर से jeevanpraman.gov.in जी की वेबसाइट ओपन करें। हाँ, ठीक है जी जी। उसके बाद जब डीएलसी करने लगेंगे तो उसमें सबसे पहले जब आधार कार्ड से अपडेट करेगा वो, कोई भी हो, जो कैफे वाले या कोई भी जो करना चाहे, उसके बाद पेंशनर का नाम आएगा, नाम पूछेगा, नाम फिल करिए, टाइप ऑफ पेंशन आएगा, सर्विस पूछिए, फिल करिए, उसमें सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, टाइप ऑफ पेंशन में सर्विस सिलेक्ट करना है, सेंसरिंग अथॉरिटी थर्ड ऑप्शन आएगा, सेंसरिंग अथॉरिटी में डिफेंस पीसीडीए पी इलाहाबाद, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन इज दैट डिस्पर्सिंग एजेंसी, ठीक है, डिस्पर्सिंग एजेंसी में स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद, फिफ्थ ऑप्शन इज दैट एजेंसी में सेम रहेगा स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद जी, एंड आपका वही पीपीए नंबर रहेगा नया वाला। ओके ठीक है, ये अंडरस्टूड हो गया सर। और रिकॉर्ड नंबर जी। नेक्स्ट है सौरभ जी की, जो बैंकों का अमलगमेटेशन हुआ, जो मर्ज हुए हैं बैंक से, तो पेंशनर्स के पुराने आईएफएससी कोड अपडेट है उनके डाटा में, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सारा डेटा ऑटोमेटिक स्पर्श में मर्ज कर देगा, तो लेकिन आईएफएससी कोड गलत रहेगा तो उनका ट्रांसफर में प्रॉब्लम आ रही है। 2000 कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, एक दो महीने का प्रॉब्लम आ रहा होगा, फिर सही हो जाता होगा। ओके, वो अपडेट हो जाता है जिनका वेरीफाई कर लेते हैं कि किसका पेंशन क्यों नहीं गया। जो अगर पेंशनर अगर हर चीजें जानते हैं वो खुद अपडेट कर लेते हैं सर, जैसे आर्मी नेवी के बहुत से पेंशनर हैं, वो लोग खुद कर लेते हैं, उन लोग को भी क्वेरीज पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो लोग खुद करके बस कॉल करते हैं, सर एक बार देख लीजिए मैंने सारा चीज कर दिया है, एक बार चेक कर लिए हो गया है नहीं। हाँ, ऐसे ही पेंशनर यूजर आईडी पासवर्ड अगर उसको मिल गया है तो बिल्कुल लाइक दैट इंटरनेट बैंकिंग की तरह है सर, अगर एसबीआई या बीओबी किसी का एक अगर इंटरनेट बैंकिंग आप सोहन जी यूज कर रहे होंगे लाइक दैट वैसा ही बिल्कुल, और कुछ नहीं जी। ठीक है, नहीं पोर्टल बहुत अच्छा है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन जो एक्सेस नहीं कर पा रहे उनके लिए प्रॉब्लम हो रहा है, जो अभी तक यूज नहीं किया मोबाइल उनके लिए प्रॉब्लम हो रहा है सर, ये है ना, बिल्कुल समझ रहे हैं। लेकिन और बाकी सर सौरभ जी, एक जो है कि इस पर्स के जितने भी सर्विस सेंटर है उनका कोई रोल होगा कि भाई, हमें सर उनका रोल बहुत अथॉरिटी उनको दे गए हैं, लेकिन अब वो लोग सामने वाले की मदद नहीं कर रहे हैं, जीरो मदद है सर, बिल्कुल जीरो मदद कर रहे हैं कि बैंक तो अटेंड नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल कर रहे हैं, हम लोग इस चीज को जान रहे हैं, बैंक जो सीधे बोल देगा कि आप इस नंबर पे 1800 इससे बात करिए, सीधे बोल रहा होगा, वो तो बोल रहे हैं कि आपका आपका डाटा हमारे पास है ही नहीं, आपका डाटा तो चला गया, इवनली वो जो पर्सनल लोन दे रहे थे एक्सरसाइजमेंट को वो भी बंद कर दिया उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं, वो सब कुछ अथॉरिटी है उनको देने की जी, लेकिन वो अपना हाथ खींच रहे हैं कि नहीं हमारे पास कुछ नहीं, ये बताइए उनके पास अगर कुछ नहीं तो उनका अकाउंट नंबर तो उन्हीं के बैंक का है ना, वही उसी में आ रही है, एटीएम तो वही कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन आईडी पासवर्ड वही बता रहे हैं, तो कैसे उनके पास ट्रांजेक्शन, अगर 1 रुपया अभी उनका ज्यादा आ जाएगा तुरंत काट लेंगे कि हाँ ज्यादा गया था, वो रिकवरी कर देंगे जी जी, ऐसा होता है कि नहीं अभी, बिल्कुल होता है, डिलीट कर लेते हैं वापस तुरंत ही, केवल डिफेंस से रिलेटेड जो डेटा है वो चीज नहीं शो करेगा, लेकिन ट्रांजेक्शन कितना हो रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, वो सारा चीज वहाँ पे शो करेगा सर जी, समझ रहे हैं, जैसे कोई से आर्मी वालों को जो भी रहा होगा, अब इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको उनका डेटा शो कर देता है डायरेक्ट पीपीओ वगैरह सारा चीज होगा, लेकिन यही चीजें बस एक्सेस उनको नहीं दिया गया, और तो सारे ट्रांजेक्शन का कितना हो रहा है, कितना कितना जा रही है, तो है ना अथॉरिटी बैंक के पास, बिल्कुल है सर, सारा चीज है सर, बस अब वो मदद नहीं कर रहे हैं तो इसके बारे में अब हम लोग तो नहीं कुछ कर सकते ना, अब जिला सैनिक बोर्ड के पास में भी जाते हैं तो वो बोलते हैं हमारे पास इस पर रिलेटेड कोई एडवाइजरी कोई इंटीमेशन या ऑफिशियल आदेश नहीं आया, वहाँ पे भी वो एक्सरसाइजमेंट मात खा रहा है कि वहाँ जाने के बाद में भी उनका जो एटलीस्ट जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का फॉर्म अपडेट करने के लिए उसको भी साइन करके रिकॉर्ड ऑफिस में नहीं भिजवा रहे सर, हेलो, बिल्कुल सुन रहे हैं सर आपके, जो तो ये भी दिक्कत है सर, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी तो, हाँ मोबाइल नंबर ईमेल आईडी तो सर रिकॉर्ड आपकी सही अपडेट होगा, वो तो फॉर्म तो वहीं से जाता है, जिला सैनिक बोर्ड से ही जाता है, ऐसा नहीं है तो वो नहीं सपोर्ट नहीं कर रहे ना सर, देखो कितनी समस्या होती है, हम तो चलो ठीक है कॉल करके आपसे पता कर लेते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, कोई एक एडवाइजरी जारी कराओ सर सभी के लिए कि भाई ये कंप्लेंट कर दी, पीसीडी एक वेबसाइट जो है जी
कंप्लेन स्टेटस में जाकर के लॉज कंप्लेन का ऑप्शन होगा, उस पर कंप्लेन कर दीजिए। ओके ओके, तो पेंशन अदालत कौन से डेट को, अभी कुछ फिक्स हुआ सर डेट? पेंशन अदालत तो मार्च के थर्ड वीक में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग है, उससे पेंशन अदालत पे भी कंप्लेन करने का है जी जी कि कैसे अगर पेंशन अदालत कोई पर्सन विजिट करना चाह रहा है जी। तो अपना ऑनलाइन कंप्लेन रेज कर दे पेंशन अदालत में जी जी वो सारा चीज अपना कर सकता है। और सर जी एक दो बात और बता दीजिए कि जैसे नवंबर दिसंबर में माइग्रेशन का मैसेज आ गया, लॉगिन और अपना लॉगिन करके बैठे हैं पेंशनर, लेकिन उनका फर्दर डाटा अपडेट नहीं हो रहा है उसके अंदर प्रोफाइल में। सर माफी चाहेंगे इसके लिए सर। कुछ ऐसा सिस्टम है स्टेप बाय स्टेप कि इतने दिन में ये होगा उसके बाद में ये चीजें होगी? ऐसा कुछ नहीं है, गूगल क्रोम के ब्राउजर से लोग लॉगिन करें सारा चीज हो जाएगा। ओके, और एक फाइनल बता दीजिए सर कि कुछ एक जैसे डिटेल है कि लास्ट रैंक है, प्रेजेंट रैंक है और सेफ कैटेगरी जो है और ग्रुप है, इनका एडिट और अपडेट का ऑप्शन पेंशनर्स के पास में तो है नहीं, यदि ये चीजें गलत फीड की जाती है तो उसको अपडेट करवाने का प्रोसीजर क्या है? सर माफी चाहेंगे, ये सब सारे चीजें कहते हैं, आप पर्सनल चीजें पूछ लीजिए क्योंकि ज्यादा हमें डिटेल देने की यहाँ पे वो नहीं है। नहीं नहीं ये मैं, ये तो जनरल है सर, जनरल सब के लिए है कि ऐसी कोई है तो कहाँ से अपडेट करवाए वो जाके? वही सर, रिकॉर्ड से अपडेट करवाया, रिकॉर्ड मतलब चैनल रिकॉर्ड, ये हर चीज अपडेट करवाने का चैनल रिकॉर्ड है। देखिए डेटा सारा रिकॉर्ड के पास ही पड़ा था, माइग्रेट केवल वही लोग अपना डेटा कर दिए हैं सारे पेंशनरों का। अब उनके पास डेटा गलत था कि सही था, कि अगर सही भी था तो लोग बल्क में जब अपडेट कर रहे हैं तो गलत क्यों आ जा रहा है, सारा चीज रिकॉर्ड कर सकता है। अपडेट तो पीसीडीए कर रहा होगा, बाद में जो एडिट अपडेट कराना वो रिकॉर्ड ऑफिस करेगा है ना, माइग्रेट तो पीसीडीए कर रहा है। माइग्रेट तो पीसीडीए कर रहा है, इस फर्ज की टीम इंडियन हेडक्वार्टर से हो रहा है, आर्मी हेडक्वार्टर से सारा प्रोसेस। ठीक जी, ओके चलो ठीक है सौरभ जी, थैंक यू। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, थैंक यू फॉर कॉलिंग। तो साथियों आपने अपनी क्यूरीज का जवाब पीसीडी की हेल्पलाइन से सुना, हो सकता है कि इसके अंदर आपकी भी कोई क्यूरी थी जिसका समाधान या जिसका जवाब आपको मिला होगा। वो साथियों आगे भी इसी प्रकार जो कॉमन कमेंट होंगे उन सभी का जवाब हम पीसीडीए की हेल्पलाइन से जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही साथियों, अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे इसी प्रकार की एक और लेटेस्ट और अपडेट जानकारी के साथ। सैनिक समाचार चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।